सीधा और मीधा यहाँ से बार बार टूट जाता रहा था, फुल किया हुआ है। और देखें मौसमी अच्छे लगते हैं आज कितने देख सकते हैं। आज ना आप शरारती बच्चे के लिए लेके आए हैं मौसमी। और रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद बाबर सुल्तान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पापू विलेज वाइब। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। सुबह सुबह का टाइम है और तकरीबन 7:30 बजे होंगे। मैं हूँ मुरब्बे। आज पानी की बारी थी हमारी नहरी, तो इस खाल में पानी पहले वहाँ पे लगा हुआ था, अब पानी हमारा जो वो था नहरी वो ख़त्म हो गया। अब हम चला रहे हैं जनाब ट्रैक्टर और इस बोर से हम पानी लगाएंगे इस खेत को, क्योंकि ये रह गया था नहर से, ये फुल नहीं हुआ था, इसलिए तकरीबन 2-2.5 घंटे हमें, ये 3 घंटे भी हो सकते हैं, हमें ट्रैक्टर की बोर चलानी पड़ेगी। तो साथ रहिएगा, आपको दिखाते रहेंगे कि हम यहाँ से पानी कैसे लगाते हैं और कितने घंटे लगता है। तो वहाँ पे बंद बांधना पड़ेगा क्योंकि पानी उधर ना जा सके। इस खाल में ये हमें जो सीमेंट की पट्टी है ये खेड़ के वहाँ पे लगानी पड़ेगी, तो बाकी पानी हमने यहाँ से गुजारना है इस खाल से। तो साथ रहिएगा, सामने 4-6 लोग हैं वो भी आ रहे हैं और फिर हम स्टार्ट करते हैं बोर। तो जनाब यहाँ से पानी लगाया हुआ, टोक किया हुआ यहाँ से, और ये जनाब मलकू की जूती पड़ी है सामने में, कई रख के जनाब चक्कर लगाने गया है। चमन शाह खाद डालने लगा, वो सामने पड़ी है। तो इस खेत को जनाब खाद डालें। और ये मेन जो है जनाब पानी डाल रहा है वो सामने जनाब जो सब साहब आ रहे हैं, और माशाल्लाह मक्की बहुत बेहतरीन है। तो ये मेन के उसमें जनाब दाने डाल रहे हैं वो सामने हमने पानी लगाया हुआ है। पता है विलेज के सीन तो फिर देखने वाले होते हैं, जो इन चीज़ों से महरूम है वो ही जानते हैं इनकी कदर। बाकी सुबह सुबह का टाइम है माशाल्लाह, हल्की हल्की धूप है, और तो ये मेन तो पसीना बहुत ज़्यादा आया हुआ, यहाँ से बार बार टूट जाता है बंद, तो अच्छे तरीके से लगा रहे हैं यहाँ से भी और यहाँ से लगा रहा।
क्यों जनाब, इस खेत को अब पानी लगा हुआ और बाकी वो सामने वाला रह गया और ये रह गया चमन से जनाब खाद डाल रहे हैं तो मल को वहाँ से बंद बांध रहा है, वहाँ से पानी इधर इस खेत को आ रहा था तो वो सामने भी वैसे देख सकते हैं। आज जनाब शरारती बच्चे के लिए लेके आए हैं मौसमी और इन्होंने इतने खाए हैं कि ये खा रहे हैं। क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो शम्मी? कौन सी शम्मी? तुम भी खा रहे हो, तुम भी खा रहे हो, क्या खा रहे हो? दिखाना मुंह, दिखा दिखा तो सही। व्यूअर्स, इसने मुंह अपना सारा फुल किया हुआ है और देखें मौसमी अच्छे लगते हैं। अच्छा कितने कितने अच्छे लगते हैं? इतने और खाने हैं ये वाले शम्मी, और खाने हैं शम्मी। विवाह जनाब ग्रीन टी पिया किसने? अच्छा विवाह ये कह रहे जनाब नया छील कर दो तो ओए ओए उठाओ। कौन सा लेना है, ये वाला ये वाला ये वाला? ये उठा दो, चलो व्यूअर्स। तो ये वाला व्यूअर्स अब तुम मेरी वीडियो बनाओ। तो जनाब इनको बना के देते हैं मौसमी को, ये वाला। अच्छा पकड़ो बनाओ इधर। ये बहुत ही कड़वा होता है, अगर आंख में चला जाए तो आंखों से पानी आ जाता है, जैसे बंदा रो रहा हो। बड़े एहतियात से छीलना पड़ता है। ये आपके लिए छील रहा हूँ, पता है स्वाद का? ओह ये बहुत ज्यादा शरारती हो गया और इसको लाल प्यार ने बिगाड़ के रख दिया है। दे रहा हूँ मैं बात, तुम बताने दो व्यूअर को। जनाब बहुत ही शरारती बच्चा हो गया, ये बात नहीं सुनता, बताऊं? कंट्रोल। तो मैं बताऊं विवाद, ये बहुत बताओ झूला लेने गए थे वो, विवाद को बताओ झूला लेने गए थे, छोड़ो उसको, तुम बताओ झूला लेने गए थे, झूला लेने गए थे किधर गए थे? तो वे जनाब ये मिट्टी भी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आज पानी की बारी है, जुमेरात का दिन है तो पानी की बारी होती है तो मैं पानी लगवाने, तो जिसको जिस मक्की को दानेदार जहर डलवाई थी उसको पानी भी लगवाना है और साथ वाली कपास को भी और इस कपास को भी आज सारा पानी लगना तो विजिट करना है। चाचा मन से लोग पहले आ गए थे, पानी उन्होंने लगाया, वो दिखाते हैं आपको, साथ साथ रहिएगा, आपको दिखाते रहेंगे। तो हमारी लाइफ तो व्यूअर्स ऐसी है, सुबह को कोई काम, दोपहर को कोई काम, शाम को फसलों में, यही सुबह दोपहर शाम फसलों में ही होना होता है हमने। तो बाकी अल्लाह खैर करे, बाकी व्यूअर्स इसको डलवाई थी हमने दानेदार जहर, माशाल्लाह
कंट्रोल हो चुकी है, देख रहे हैं आप रेड कलर की, यही है तो, पहले से काफ़ी बेहतर है माशाल्लाह। साथ रहिएगा, आपको विजिट करवाते रहेंगे, साथ दिखाते रहेंगे किस चीज़ को पानी लगा हुआ है, कहाँ तक पानी लगा हुआ है। अब कपास को पानी लगाया था, अब देखने जा रहा हूँ, यहाँ सामने आपको पहले दिखा रहा था वो सामने चार मंचा कपास मक्की को पानी लगाया, वो देखने जा रहे हैं कि पानी एंड तक पहुँच गया तो पीछे से बांध बांध लें, फिर आगे इस अपने एकड़ को फिर पानी लगाएंगे। बस इस कपास को पानी लगाया, अब जा रहे हैं नेक्स्ट वहाँ पे जहाँ पे पहले पानी लगाया था, वहाँ देखने जा रहे हैं कि कितना पानी लगा, फुल हो गया कि नहीं, तो वो जाके देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं, साथ रहिएगा। व्यूअर्स, जब पानी लगाया जाता है तो इस तरह के परिंदे बहुत ज़्यादा पानी में आते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? उनको खुराक मिलती है पानी से, ये माशाल्लाह, तो ये फिर इस वजह से पानी में आ जाते हैं। ये वाइट कलर का जो परिंदा है, इसको हम अपनी ज़बान में बगला कहते हैं, लेकिन आई डोंट नो आपकी ज़बान में क्या कहते हैं, जो भी आपकी ज़बान में कहते हैं प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। माशाल्लाह ये उड़ते हुए बहुत प्यारे लगते हैं, जब ये खेत में बैठे होते हैं तो बहुत एक पुरसकून सा माहौल होता है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। मलकू ने अपनी गधा गाड़ी खड़ी की हुई है यहाँ पे, और तो पीछे मेरे देखें आप, वो सामने ऐसा माहौल बना हुआ है। चलते हैं, इसको पानी लग चुका है। तो ये वहाँ से जनाब पानी आ रहा है, खाल से सीधा आता हुआ यहाँ से फिर ऐसे, और ये सामने मेरा जो खाल जा रहा है यहीं से हमें पानी लगता है, और मेन खाल जो है हमारा वो सामने है, तो इधर से भी पानी होके हमारी फसलों को सैराब करता है। तो माशाल्लाह पानी काफ़ी है, क्योंकि डबल पानी है, डबल से मुराद जनाब मोटर भी साथ चली हुई है, पानी मतलब बिजली वाली मोटर जो होती है वो भी चली हुई है, और साथ में जनाब अपना नहरी पानी भी है, तो डबल पानी हो गया, तो ये डबल पानी चल रहा है, इस वजह से खाल फुल है। और जब ये सिंगल होता है तब थोड़ा कम होता है, तो अभी ये डबल चल रहा है पानी। तो व्यूअर्स, जैसे कि आपको बताया पानी लगा हुआ है, और ये खेत जाओ ना आप, मैंने कल यहाँ पे हल लगाए थे, तैयार किया है इसे, वो सामने वाला भी और ये भी, और आपको दिखाते हैं चोरी अमीन की कपास, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है कपास फ़िलहाल। तो ये जनाब इस चारे को हमने पानी लगाया था, ये बाग है, अब मैं जा रहा हूँ जनाब जहाँ पे चार मंचे लोगों ने पानी लगाया हुआ है, वहाँ चलते हैं देखते हैं अब कहाँ तक पानी लग चुका है, कितना बाकी एकड़ रहते हैं तो उसका जायज़ा लेते हैं। और माशाल्लाह ये चोरी अमीन की तरफ खजूर का पौधा है, जिससे हम जनाब जब खजूर लगती हैं तो भरपूर इससे लुत्फानंदोज़ होते हैं। जा तो रहे हैं चोरी अमीन की तरफ, आपको उनसे भी मिलवाते हैं, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा यह मज़ेदार व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकॉन बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुँचे। तो इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं, कल नए दिन के साथ नए व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।